नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर नेशन और मैं स्वाति पांडे आपके साथ। आज एक बार फिर से कैबिनेट की बड़ी बैठक नीतीश कुमार बुलाते हैं। नीतीश कैबिनेट की इस बड़ी बैठक में 22 एजेंडों पर मुहर लगती है और इसमें सबसे खास और सबसे अहम एजेंडा अगर आपको बताए तो वो है कि बिहार के 4 अन्य जिलों में जो है अब मेट्रो का काम जो है वो शुरू कर दिया जाएगा। यानी राजधानी पटना में तो मेट्रो बन ही रहा है, मेट्रो की परिचालन होने वाली है, लेकिन पटना के अलावे बिहार के 4 अन्य जिलों में भी मेट्रो की परिचालन जो है वो शुरू हो जाएगी। तो देखिए, बिहार को विकसित बनाने की कोशिश में लगातार बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार लगे हुए हैं। बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिल जाए इसके लिए भी कोशिश करते रहते हैं और अब बिहार को और आधुनिक बनाने के लिए बिहार के तमाम अलग अलग जिलों को एक दूसरे से जोड़ने के लिए और बिहार की जनता को सुविधा देने के लिए नीतीश कुमार ने एक और विशेष पैकेज का जो है ऐलान किया और इस पैकेज में बिहार में मेट्रो, बिहार के अलग अलग जिलों में मेट्रो का परिचालन शुरू कर दिया जाएगा। अगर आपको उन अलग अलग जिलों की बात बताएं तो उसमें मुजफ्फरपुर, गया, दरभंगा और भागलपुर शामिल है। पटना में तो मेट्रो शुरू होने वाला है और इसके अलावे गया, दरभंगा और भागलपुर और मुजफ्फरपुर में भी मेट्रो की परिचालन जो है वो शुरू कर दी जाएगी। बता दें कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आज कैबिनेट की मीटिंग बुलाई थी। मुख्य सचिवालय स्थित मंत्री परिषद कक्ष में आयोजित बैठक में सरकार ने कई बड़े फैसले लिए। आज की कैबिनेट मीटिंग में कुल 22 एजेंडों पर मुहर लगी है। बिहार के 4 शहरों मुजफ्फरपुर, गया, दरभंगा और भागलपुर में मेट्रो रेल की परिचालन के प्रस्ताव की सैद्धांतिक सहमति दी गई है। जिला उपभोक्ता विवाद प्रतिकोष आयोग के लिए अनुबंध के आधार पर निबंधक के कुल 20 पदों के सृजन की स्वीकृति दी गई है। एसएफसी के व्यावसायिक बैंक नाबार्ड से कर्ज प्राप्त किए जाने वालों के लिए 1200 करोड़ रुपए की राशि के लिए राजकीय गारंटी प्रदान करने की स्वीकृति दी गई है। लघु जल संसाधन विभाग के अंतर्गत विभिन्न सिंचाई योजनाओं को समयबद्ध एवं सुचारू रूप से क्रियान्वयन के लिए तकनीकी पर्यवेक्षक की सेवा प्राप्त के लिए जाने का भी निर्णय लिया गया है। ये सेवा स्रोत से प्राप्त किया जाएगा। इतना ही नहीं, लघु जल संसाधन विभाग के तहत मुख्यमंत्री निजी नलकूप योजना के तहत 35,000 निजी नलकूपों के अधिष्ठापन के लिए 266 करोड़ रुपए की स्वीकृति दी गई है। बिहार व्यवहार न्यायालय अधिकारी एवं कर्मचारी नियुक्ति प्रणोत्ति स्थानांतरण एवं अन्य सेवा सर्व संशोधन नियमावली 2024 की स्वीकृति दी गई है। बिहार वाहन चालक भर्ती एवं सेवा सर्व संशोधन नियमावली 2024 की स्वीकृति दी गई है। बिहार उच्च न्यायिक सेवा के 140 पदों के सृजन की भी स्वीकृति दी गई है। वहीं बिहार में सरकारी सेवाओं में नियुक्ति के लिए विभिन्न आयोगों द्वारा संचालित परीक्षाओं का आवश्यक चरणों में आयोजित करने तथा उक्त चरणों में परीक्षाओं को ऑनलाइन तथा ऑफलाइन माध्यम से कराए जाने का निर्णय लिया गया है। खेल विभाग में सचिवालय एवं निदेशालय स्तर के लिए विभिन्न कोटि के कुल 98 पदों की सृजन की स्वीकृति दी गई है। नगर पंचायत एवं ग्राम पंचायत में खेल क्लब के गठन की भी स्वीकृति दी गई है। बिहार के 46 पॉलिटेक्निक संस्थानों में वर्ग कक्ष कर्मशाला उपकरण के लिए 80 करोड़ रुपए की प्रशासनिक स्वीकृति। तो देखिए, पटना के अलावे गया, मुजफ्फरपुर, दरभंगा और भागलपुर वो अलग अलग जिले होंगे जहां अब मेट्रो की शुरुआत की जानी है। ऐसा बिहार सरकार की तरफ से कहा जा रहा है कि 2025 तक पटना मेट्रो का भी की शुरुआत हो जाएगी, परिचालन शुरू हो जाएगा। और इतना ही नहीं, आज जो कैबिनेट की बैठक बुलाई गई है, यानी लोकसभा चुनाव की अगर बात करें तो लोकसभा चुनाव 2024 के समाप्त होने के बाद केंद्र में एक बार फिर से तीसरी बार एनडीए की सरकार बनने के बाद, बिहार में एनडीए की सरकार बनने के बाद ये दूसरी कैबिनेट की बड़ी बैठक है जो बिहार सरकार ने बुलाई थी। बीते दिनों केंद्र की मोदी सरकार यानी मोदी कैबिनेट की भी बैठक बुलाई गई थी, उसमें किसानों को के लिए जो है कई सारी योजना, कई सारी एजेंडों पर मुहर लगे थे। और अगर बिहार की बात करें तो बिहार में ये इस कैबिनेट की बैठक में 22 एजेंडों पर मुहर लगती है और इसमें सबसे खास और सबसे अहम एजेंडा ये है कि पटना के अलावे 4 अलग अलग जिलों में एक बार जो है मेट्रो का परिचालन शुरू किया जाएगा। फिलहाल इस अपडेट में बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ फॉर नेशन।